सिमरन, ए टू जी में जो शुरुआत होती है वो ना ए लेटर से होती है, तो तुम क्या ये बता सकती हो कि आज ए लेटर से हम कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं? हाँ रतिका, मैं बता सकती हूँ. बचपन में तो हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा है, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं ना, तो ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही ली है. और ये इंटेलिजेंस की पावर ही है कि एआई सिस्टम्स अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के अनुभव से. तो चलिए ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट. विज्ञान जिसने अवशेष से विशेष किया, जिसने जिंदगी की परिभाषा को नया रूप, रंग, नया आयाम दिया, तो अब इसे विस्तार से समझने के लिए आपके लिए हम लाए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है ए टू जेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इस श्रेणी में आज हम बात करते हैं ए की. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस डिक्शनरी में इस अक्षर से जो तैरती हुई टेक्नोलॉजी हमें मिलती है वो है एआई, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसका अर्थ है बनावटी अर्थात कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता. कृत्रिम बुद्धि मानव या अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है. कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धि के शोध को होशियार एजेंट का अध्ययन माना जाता है. एक ऐसा संयंत्र जो अपने पर्यावरण को देखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है. सरलतम शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना. एआई को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है. आपके पास जो दिमाग है उससे कंप्यूटर का एक ऐसा दिमाग बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके. एआई एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें कि उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सकें और काम कर सकें. एक पूर्ण विकसित मस्तिष्क वाला व्यक्ति किसी भी समस्या को पहले समझता है, फिर उसे बुनता है अर्थात प्रोसेस करता है, तत्पश्चात निर्णय लेता है कि क्या करना उचित होगा और अंततः समस्या को सुलझाता है. ठीक वैसे ही मशीनी दिमाग भी किसी भी प्रक्रिया को मुख्यतः तीन प्रोसेसेस में करता है. पहली है लर्निंग, जिसमें मशीनी दिमाग में इंफॉर्मेशन या डेटा को इनसे संबंधित कुछ नियम के साथ डाला जाता है. फिर दूसरे चरण में होती है रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीन अप्रोक्सीमेट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल करने के लिए समाहित रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स की तरफ अग्रसर होती है. और फिर तीसरा यानी कि अंतिम चरण है सेल्फ करेक्शन, सेल्फ कंक्लूजन. एआई में मशीनों को इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई हैं जिससे वो बेहतर काम कर सके. इस वृक्ष का बीज 1950 के दशक में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस में बोया था, जिसका फल आज लगभग हर क्षेत्र जैसे कंप्यूटर गेमिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली अर्थात एक्सपर्ट सिस्टम, दृष्टि प्रणाली यानी विजन सिस्टम, वाक पहचान यानी स्पीच रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स, इसके साथ साथ किसी बेहद जटिल सिस्टम को चलाने, नई दवाएं तैयार कराने, नई केमिकल खोजने, खनन उद्योग से लेकर अंतरिक्ष, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां, हम कह सकते हैं मानव जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें एआई का दखल ना हो. विशेषज्ञों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को उसकी कार्यशैली के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. ये वर्ग है पूर्णता प्रतिक्रियात्मक यानी प्योरली रिएक्टिव, सीमित स्मृति जो है लिमिटेड मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत अर्थात ब्रेन थ्योरी, आत्मचेतन जिसका अर्थ है सेल्फ कॉन्शियस. समय के बहाव के साथ जैसे हम मनुष्य ऐपे से सुदृढ़ मानव बनते गए, ठीक वैसे ही मैकेनिकल मैन से लॉजिकल मशीन के सफर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संकल्पना भी बदलती गई. देखिए, अगर चुनौतियां हैं तो आप संभावनाओं को गले लगा सकते हैं, ठीक वैसे ही एआई में छिपी हुई संभावनाएं उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियों की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक प्रभाव रखती है. एक मशीन आपके कार्य को सुगम बना सकती है, आपकी जिंदगी सरल कर सकती है, लेकिन संवेदना तो मानव हृदय से ही संभव है ना. अतः यंत्र पर अपनी अधीनस्थता आप उतनी बनाएं जितनी आप स्वयं से निर्भरता बनाए रखने में सक्षम हो. धन्यवाद.